डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर जो है सर्कुलेशन किस तरह से होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस देखा था। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, तो जो है वी हैव लर्न प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। तो वही जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो प्लांट के अंदर जाइलम जो होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है ना, वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट का काम जाइलम टिश्यू करता है। जाइलम के अंदर दो जो है जाइलम वेसल्स और ट्रेकिट्स रहते हैं जो कि इस काम को करते हैं। एक्चुअली में ट्रेकिट्स जो रहते हैं, इनका जो एंडिंग पॉइंट ओपन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो है वाटर को कलेक्ट करके रख सकते हैं ट्रेकिट्स, यानी ये हेल्प करते हैं। एंड वेसल्स जो होती हैं, इनके थ्रू जो है वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए, जाइलम रहता कहाँ है? अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखें, यानी किसी प्लांट के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद में उसके जो, यानी कि अगर बीच में हम देखेंगे तो बीच में, यानी कि सेंटर पॉइंट का जो एरिया होता है, वहीं जो है जाइलम प्रेजेंट होता है। तो जाइलम के अंदर दो चीज़ें अपने को देखना है, वेसल्स और ट्रेकिट्स। तो ट्रेकिट्स और वेसल्स जो होते हैं, ये दोनों जो है पानी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये तो ठीक है कि जाइलम जो होता है वो वाटर को रूट्स से जो है लीफ तक ले जाने का काम वो करता है, लेकिन ये जाता किस मैकेनिज्म से? तो यहाँ पर जो है इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन कौन करता है? प्लांट की जो लीफ होती है, लीव्स वही करती हैं। तो इवोपरेशन जब होता है, तो इवोपरेशन की वजह से फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे ये आपको यहाँ पर एरो से बता रखा। इसी प्रेशर की वजह से जो पानी होता है उसको वॉल्यूम जो है कंटिन्यू कम होता रहता है, मतलब कमी होता है। जब इवोपरेशन होगा तो लॉस ऑफ वाटर, वेपर बनेगी पानी की, वाटर की वेपर बनेगी, तो जिस तरह से कम होगा ना, तो ये पानी जो है रूट्स से ऐसे अब्जॉर्ब होता रहता है और जो है लेवल जो रहता है वो बराबर होता रहता है, मतलब। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इवोपरेशन एक मैकेनिज्म है और उसकी वजह से प्रेशर बनता है और उसी से जो है रूट्स से लीफ तक जो है आपका पानी पहुंचता है। तो ये तो हो गया वाटर। वाटर मिनरल्स, यानी वाटर में बहुत सारे मिनरल्स भी घुले रहते हैं, तो वो भी पानी के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म है, ठीक है ना। और इसको आप शो भी कर सकते हैं, मतलब इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप क्या करिए कि एक जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं, गमले के अंदर जो इसका जाइलम मुँह कट कर दीजिए। जाइलम कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच के हिस्से को जो है कट करना पड़ेगा। जाइलम कट करने के बाद में उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, कुछ दिनों के बाद में, यानी कुछ डे सम डे के बाद में वो जो प्लांट होगा वो सूख जाएगा, क्योंकि उसके जाइलम अगर आपने कट कर दिया तो जाइलम के थ्रू पानी पहुँच रहा था, पानी पहुँचेगा नहीं, और उसकी वजह से जो प्लांट होगा वो मुरझा जाएगा और सूख जाएगा पूरी तरह, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जाइलम से ही वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। तो जाइलम का जो है रूट से लेकर कहाँ तक होता है, लीफ्स तक, ठीक है ना, ये होता है वे इसका। तो ये ऑपरेशन होता है, उसी की वजह से जो है ये फोर्स लगता है, ऊपर तक पानी पहुँचता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि फूड का कैसे होता होगा। तो फूड के लिए यहाँ पर एक और यहाँ पर टिश्यूज होता है, फ्लोएम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम किस तरह से फूड मटेरियल को, अब यहाँ पर फ्लोएम में क्या होगा कि अपोजिट वे होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फूड बनता है वो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है भाई, ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है, यानी लीफ करती है। तो लीफ के वहाँ पर जो है फूड बनता है और वो फूड वहाँ से नीचे तक आता है, यानी पहले पानी का क्या हो रहा था कि पानी जो रूट से लीफ तक जा रहा था, अब लीफ से रूट तक जो है फूड आएगा। तो किसके थ्रू आएगा, फ्लोएम के थ्रू आएगा। किस तरह से आ रहा है ये अपन देख लेते हैं इसमें। तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स यहाँ पर होती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजस्ट कैम्पेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शंस। तो ये जो है यहाँ पर जिस तरह से हमने जाइलम में देखा था कि जो ट्रेकिट्स और जाइलम वेसल्स होते हैं तो वो हेल्प करते हैं, यहाँ पर इसी तरह से फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं जो कि
इसका काम करने का, जो फूड को जो है इधर से उधर ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। तो हमने जाइलम का मैकेनिज्म देखा था। जाइलम में जो वाटर, जाइलम के थ्रू जो वाटर फ्लो होता है रूट से लीव्स तक, टॉप तक ट्रीज के, लेकिन तो उसमें क्या होता है कि उसका मैकेनिज्म होता है कि इवेपोरेशन की वजह से फोर्स लगता है, वाटर जो है ऊपर तक जाता है। लेकिन इसमें क्या मैकेनिज्म होगा, फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर जो होता है ना, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इन टू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अगर जो सुक्रोज वगैरह है उनको फ्लोएम टिश्यू में जो है फ्लोएम टिश्यू में जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एटीपी की, एनर्जी की जरूरत होती है ना। सुक्रोज जैसी मटेरियल को जो है, यानी सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर, ठीक है ना, ट्रांसफर किससे, किसके थ्रू किया जा सकता है, एटीपी, मतलब एनर्जी के थ्रू जो है किया जाता है, ठीक है ना। दिस इंक्रीसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही ये अंदर जाएगा, कौन, सुक्रोज एटीपी के थ्रू, तो क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो टिश्यू का, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जिससे जो है वाटर अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाता है वाटर, अंदर चला जाएगा वाटर एंड मूव इन टू इट। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विद हेल्पलेस प्रेशर। और क्या होता है कि जो फ्लोएम है वो मटेरियल को कहाँ पहुँचा देगा, उन टिश्यू में पहुँचा देगा जहाँ का प्रेशर कम हो। देखिए आप, प्रेशर कहाँ पहुँचा देगा मटेरियल को, फ्लोएम टिश्यू के उन हिस्सों में जहाँ पर, यानी टिश्यू के उन हिस्सों में, टिश्यू के वहाँ पर जहाँ पर लेस प्रेशर हो, यानी कि कम प्रेशर हो। तो ये फॉर्मूला, मतलब ये मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो कहाँ पर ये जो फ्लोएम है ये टिश्यू के उन हिस्सों में लेस प्रेशर के वहाँ पर जो है मटेरियल को पहुंचा देगा, यानी फूड मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फूड मटेरियल ही इसको ये करता है, दिस अलाउस, और यही मैकेनिज्म होता है, यही अलाउस करता है द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। जहाँ पर प्लांट को जरूरत होती है वहाँ पर जो है फ्लोएम मटेरियल को कहाँ पहुँचा देता है, मूव करवा देता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, द स्प्रिंग्स फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट आर स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल आसान है। और एक बात और कि ये जो फ्लोएम होता है, जो हमने लोकेटेड, यानी कि जो देखा था कि जाइलम सेंटर में होता है, अगर स्टेम का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो जो बीच वाला सेंटर होता है उसमें हम बोलते हैं कि हम जाइलम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जाइलम प्रेजेंट की जो आउटर सरफेस होता है, फिर उसके बाद जो आउटर सरफेस होता है ना, उसमें जो है फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दोनों का मैकेनिज्म जो है इस तरह से, एक जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, लो प्रेशर, लेस प्रेशर की तरफ इस तरह से मैकेनिज्म होता है फ्लोएम के अंदर फूड का। और जो जाइलम की अगर बात करें, तो जाइलम में जो है इवेपोरेशन की वजह से जो है लीव्स तक जो है वाटर पहुंचता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया प्लांट के अंदर।